नमस्कार। भारत की आत्मा यहाँ जन्म लिए सूर्य वीरों के शौर्य में समाई हुई है। इतिहास की बहुत सारी घटनाएं समय के अंतःकरण में छिपी हुई है। ये हमारे गौरवशाली और सूर्य वीरों के साहसिक कार्यों से हमें अवगत कराती है। आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ एक अनोखे वीर बुद्ध की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। सन 1658 ईस्वी भारत के अधिकतर क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में औरंगजेब, तो बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। बंदरगाहों में पुर्तगालियों का कब्जा था। शिवाजी ने अपने साहसी और कूटनीतिक तरीके से कल्याण, थाना, कोंडना आदि किलों को अपने अधिकार पर कर लिया था। इन घटनाओं से आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मच गया। अब तक शिवाजी महाराज के पास 40 किले आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खां को एक बड़ी सेना के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अफजल खां अपनी क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने अपनी नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण किए और वहां के हिंदू मंदिरों को तोड़ डाला, वहां के बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। इसके विरुद्ध शिवाजी ने अपने रण कौशल और चतुराई का परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध जारी रखा। अंत में अफजल खान ने शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रखी। उसने शिवाजी को मिलने के लिए न्योता भेजा, परंतु शिवाजी अफजल खान के तरीके से वाकिफ थे। अतः शिवाजी ने अफजल खान के नियते को स्वीकार किया और उससे मिलने की पूरी तैयारी की। सन 1659 10 नवंबर, यह वही दिन था जिस दिन अफजल खां और शिवाजी की भेंट होनी थी। शिवाजी ने सुबह प्रातः काल ही अपने ईष्ट देव की आराधना की और शिवाजी महाराज ने अपने शरीर में बख्तर धारण किया और उसके ऊपर से वस्त्र धारण किए। शिवाजी ने अपने दाएं हाथ में बिछवा व बाएं हाथ में बाघ के नाखून से बना बाघ नखा रखा एवं अपने सिर में फौलादी सिर छत्र चढ़ाया और उस पर अपनी पगड़ी धारण की। शिवाजी ने कूटनीतिक तरीके से अपने चारों ओर मावड़ियों की सेना को बिछा रखा था और उन्हें संदेश मिलते ही आक्रमण करने को कहा गया था। अपनी भेंट के समय विशाल अफजल, जो कि बहुत खतरनाक स्वभाव का था, शिवाजी उसे देखकर बिल्कुल भयभीत नहीं हुए। भेंट के समय अफजल खां ने शिवाजी को अपने हाथों में जकड़ लिया और अपनी कटार से शिवाजी की पीठ पर वार किया, परंतु बख्तर होने से शिवाजी का कुछ नहीं हुआ। अतः खान की चाल समझते ही शिवाजी ने बिछुआ से खान के पेट को भी चीर डाला और इस तरह अपने बाघ नखा से अफजल खां को घायल कर दिया। अफजल खां घबरा गया और अपने सैनिकों के साथ वहां से भाग गया।
इसके बाद ही शिवाजी ने प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खां को पराजित किया। इस तरह शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता और शौर्य का परिचय दिया।